हनी सिंह के साथ में खड़ा हूं मैं वॉइस फुल पावर। मुंबई टू विंटर कश्मीर, ये यहाँ से लेके ये वाला पूरा, और हम लोग रहते थे ऊपर। और इनका बहुत बहुत थैंक यू, हमारे लिए इतना सब कुछ किया। ओ भाई, स्कूल है कि तोड़ दिया। So hello everyone, a very good morning from Punjab and welcome back to my channel Gear Shifters India and I hope you all are doing good. So ये हमारी है बुआ जी, हम लोग पहुँच गए थे और हमारी छोटी सी भाभी उधर खड़ी है और ये उनका प्यारा सा बच्चा ईशान और ये हमारे प्रतीक भाई, टूरिंग लाइफ फुल पावर। यो हनी सिंह के साथ में खड़ा हूँ मैं वॉइस फुल पावर। सो हम जा रहे हैं अभी थोड़ा बाइक्स को, तीनों बाइक्स को वॉश करवाना है, देन सनी की बाइक का ऑयल चेंज। और पंजाब आज मोगा जो है अपना बर्थ प्लेस, मैंने जैसे बताया था, तो उसको एक्सप्लोर करना है। तो फटाफट चलिए, जैसे कलरफुल होके निकल रहे हैं। आज ज़्यादा कुछ देखिए ठंड है नहीं। वो रहा वहाँ पे देखिए निशान साहिब, इधर सामने ही गुरुद्वारा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, तो यहाँ से दिखेगा, ये देखिए, वो देखिए, आपको दिख रहा है। सो चलते हैं अभी यहाँ से गेयर अप के लिए। तो आज तो बस ग्लव्स लेने हैं एंड हेलमेट लेना है, व्लॉग बनाना है, यहाँ एक्सप्लोर करना है। फर्स्ट टाइम पंजाब एक्सप्लोर करेंगे अंदर से मोगा। मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ जो भी हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए चलते हैं यहाँ से, वीडियो कॉल चल रहा है। सो चेन यहाँ पे लगाया हुआ है, 40-50 किलो भी यहाँ पे है अपना। अभी खाली है गाड़ी, ये रहा बघीरा प्रतीक भाई। सो हम लोग अभी निकलते हैं यहाँ से। प्रतीक भाई ने तो पहले लगा दिया मुंबई टू विंटर कश्मीर। मैं गाड़ी घुमा के लेता हूँ यहाँ से। तो चलते हैं अभी, बाइक वॉश भी करनी है एंड हवा है फुल भाई। और चेन जो है उसको वेल्डिंग करवाना है। चलो चलो, बाय बाय। चलो चलते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। चलो जी, बाय बाय बाय। चलो भाइयों, ओ पिंड दियाँ गलियाँ रात को ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा। देखिए, वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी, ये रहा गुरुद्वारा। यहाँ पे अभी अपने को जाना है राइट। प्रतीक भाई ने ले लिया लेफ्ट। राइट राइट, सब देखेंगे भाई ये कौन आगे। चलो सत श्री अकाल जी। यहाँ आ जाओ प्रतीक भाई। चलो चलो, तीनों यूट्यूबर्स एक साथ। ओहो, क्या लग रही है यार रॉक्स, एकदम ह्यूज लग रही है पीछे से। वाह यार, सही है, एकदम मस्त है। और अच्छी बात है, वैसे धूप है और नॉर्मल स्वेटशर्ट वगैरह पहन के निकले हैं। और शूज़ तो नहीं भाई, क्रॉक्स ही पहने हुए हैं। दरवाजे देखिए अब घरों के बड़े बड़े, जैसे मैं रात को बता रहा था पिछले वाले ब्लॉग में, आपने देखा होगा। अभी कोई लोड वगैरह नहीं है बाइक पे, एकदम लाइट वेट। और देखिए हवा भी नहीं निकली बाइक की, फ्रंट वाले टायर की। जिस दिन से निकला हूँ मुझे लगता है ये भी ज़्यादा खड़ी रहना पसंद नहीं करती, इसको भी लंबा लंबा जाना है तभी हवा रहती है इसमें। मज़ा आ रहा है भाई, एंजॉय कर रहे हैं जब से निकले। आज देखिए 2 तारीख हो गई है, 2 फेब। सब देख रहे हैं कहाँ से आ गए ये भाई, सब हेलमेट लगा के। बस पास ही है, मोगा में ही है हम लोग। सो चेन के लिए एक बार काम करवा दे, वो दे दे, बाइक वॉश करा दे। बाकी फिर अंदर जाना है, मोगा के अंदर दिखाएंगे भाई सिटी में आपको। सीधा जाना है, वो आ गया ब्रिज, उसके उस पार जाना अपने को, शायद लेफ्ट लेके देखते हैं। सैक्रेड हार्ट किंडरगार्टन स्कूल मोगा, जो सोनू सूद जो हीरो आपको पता है ना, तो उसने यहीं पे पढ़ाई की है इस स्कूल में। लो जी, दविंदर और फुफ्फड़ जी के पास पहुंच गए हम गैरेज पे। अरे फुफ्फड़ जी हमारे बैठे हैं। और फुफ्फड़ जी बढ़िया जी, तुम दसो? हम बढ़िया है। और दविंदर सिंह, हाउ आर यू ब्रो? हाउ आर यू ब्रो? इंटेलिजेंट मैकेनिक है, इंटेलिजेंट मैकेनिक इन पंजाब मोगा। हाँ, ऑलराउंडर है भाई, ऑलराउंडर। तो अभी सब चल रहे हैं यहाँ से, इधर उसी साइड में कहीं जाना है जहाँ पे चेन वेल्डिंग होगा। दविंदर आ रहा है ड्यूट पे, कौन सी हीरो की होंडा की है। सनी, प्रतीक भाई और मैं सब बाइक्स पे निकल रहे एक साथ, मिलते हैं वहाँ जाके। इधर बाजू में ही था हम लोग, वहाँ बस बाहर से आए और ऐसे अंदर आ गए बस इधर। हाँ, साइड करो। ये देखो, ये चेन बनाई हुई है, बस वेल्ड वाला काम करना है यहाँ पे। कट करके हमने डाली हुई है अंदर। ये रेयर है, पीछे का है बुलेट का। किसी ने बनाया नहीं, तुम लोग ने बनाया हुआ है। मेरी बाइक का भी है, सबका कार का भी इसी में ही है। तो चेन का काम करने के लिए दे दिया है बाइक्स का, उनको बोला आप करो, तब तक हम लोग आते हैं। फिर कार के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, क्योंकि वो सिर्फ अंदर डाला हुआ है चेन, उसको एकदम प्रॉपर चेन में नहीं डाला, एक एक कड़ी में, कि ताकि वो उनको पता चल सके कहाँ पे उनको वेल्डिंग करना है। सो हम जा रहे हैं यहाँ पे, बाइक्स भी वॉश करनी है, देखते हैं अभी कब होगा। ऑयल चेंज करवाना है और प्रति बाइक के भी जो एरोक्स है उसका भी काम करवाना है। सो यहाँ पर ऑयल चेंज करवा लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो ऑयल चेंज हो रहा है सनी की बाइक का, और ये प्रतीक बाइक की बाइक और मेरी। प्रतीक बाइक की जो एरोक्स है उसका काम करने अभी एक घंटे बाद अपने को बुलाया है। और सनी के और अपने प्रतीक भाई के सब्सक्राइबर हैं जो यहाँ पंजाब में है, मोगा में, उनसे मिलाते हैं। हाँ जी वीर जी। और वीर जी की हाल है? बढ़िया जी। थोड़ा नाम दसो। विक्रम जी सिंह। हाँ जी वीर, थोड़ा नाम दसो जी। अर्श बाबा। तो हम आप पंजाबी की गल करते हैं। साढ़े लिए ये ठंडा ठंडा लैके आए हैं, तो पनीर के पकौड़े लैके आए हैं, जो सनी हुण शुरू हो गया है, खाओ भाई। तो पकौड़े खाते हैं, ठंडा वगैरह पीते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और इनका बहुत बहुत थैंक यू, हमारे लिए इतना सब कुछ किया, मतलब पंजाब आके। हाँ जी, पकौड़े गोली वाला पत्ता, गोली वाला पत्ता लेके आए, काला पत्ता। ये कोल्ड ड्रिंक की बात करें, जैसे जो आते हैं ना मार्बल्स वाले बॉटल, जैसे उसको खोलते सोडा ही होता है ना, इसलिए उसको ऐसा पत्ता बोल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए वॉशिंग हो गई है बुलेट की, आरसी की, एरोक्स की, बढ़िया सब गाड़ियाँ चमक रही हैं। पुणे से चल रहा था, वॉश करेंगे अब जाके मोगा में, पंजाब में आके वॉश की है। बुलेट का करना था ऑयल चेंज, और एरोक्स का भी थोड़ा चेकअप करना था, ऑयल चेंज करना था, हो गया सेटअप। और हम लोग अभी हैं मोगा में प्रीत मोटर्स में, अकाल था रोड पे, और यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह भी होती है, बहुत सही करते हैं, एक नंबर। मैंने देखा था पूरा, और बिफोर और आफ्टर की इनके मैं वीडियोस चेक किए। ये पूरा यहाँ पे स्पेस है बढ़िया। तो मोगा में है, जैसा भी जो भी जुगाड़ करना है, अंकल ने बताया कि कुछ भी जुगाड़ होगा हम कर सकते हैं, आपको, आप बोलिए आपको क्या करना है। तो अंकल जी अभी तो निकल गए, तो उन्होंने हमें बढ़िया बढ़िया, क्या बताऊँ, वहाँ पे जलेबी खाई हमने, काफ़ी टेस्टी थी, क्योंकि वो जो कड़क वाली क्रंची वाली जलेबी है वो अपने को महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से आगे। ये काम हो गया अपना, बस अभी जो वेल्डिंग का है काम वो आधा हो गया होगा, उसको भी जाके अपन देखेंगे बाद में। तो चलिए अभी थोड़ा मोगा एक्सप्लोर करते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं अहाता बदन सिंह, 10 नंबर गली में हमारे मामा जी का घर है। तो अभी एक बार चलते हैं वहाँ पर, उनको मिल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है, सीधा मिलते हैं आपको आगे। मामी पैरी पहना, की हाल है थोड़ा? हाँ जी, ए रहा सनी, मैं मनी। बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई, ये साडा दोस्त आ। दरवाजा ला दे। असी आए आए मोटरसाइकिल ते। हाँ जी हाँ जी चलिए जी चलते। अभी घर तो काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है, नीचे ऊपर पूरा बढ़िया से देख लिया। ये कौन से आंटी जी है मुझे नहीं याद अभी। सो अभी शिवप्रीत को मिलते हैं, मामा जी का लड़का है ना, तो चलते हैं। गोल्ड की शॉप है, सोने की दुकान है, क्योंकि हम सोनार हैं ना इसलिए, तो वहाँ पे चलते हैं, मिलते हैं जाके। मामा जी तो लेट आएंगे, अगर हुआ पॉसिबल तो आएंगे, हम मिलेंगे आके। ये हमारी मामी जी है। सत श्रीकाल जी। हाँ जी बन गई। चंगा मामी जी, जैसे इतने होए तो होने फिर होने। हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी बाय बाय। सो चलिए जी, बड़े सालों बाद मिले हम, 4.5 साल बाद। तो आगे आपको दिखाते हैं 5 नंबर गली, ये 7 नंबर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे सारे रिक्शा सारे ऑटो ऐसे ही इलेक्ट्रिक ही है, बस रोड थोड़े अच्छे बन गए हैं पर है उतने ही। तो ये घर था अपना, देखिए ये पीला दिख रहा है पूरा, ये घर था अपना, ये यहाँ से लेके ये वाला पूरा, और हम लोग रहते थे ऊपर। तो अब तो चलो ये सेल किया हुआ है। चलो एक बार चलते हैं गली में, बचपन अपना यहाँ गुजरा है यार। ये देखिए इन्होंने पेंट वेंट भी नहीं करवाया लगता है यार। वो बैठा है पिजन ऊपर। ये देखिए दरवाज़ा, और ये अपनी चाची का घर है, मैंने जैसे बताया था बाजू में। तो चलिए जी आगे लगाते हैं। हम लोग कैसे ना बिना बताए जा रहे हैं, हमने अभी तक किसी को बताया नहीं कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम डायरेक्टली सरप्राइज़ दे रहे हैं, सीधा जा रहे हैं और मिल रहे हैं। ये देखिए घर है यार, वैसे का वैसे ही है इतने सालों में भी। आ जाओ। सत श्रीकाल जी बेबी जी। ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੈਠੋ ਜੀ। हाँ जी प्रतीक भाई आ जाओ, किधर गए? चलो सामान रखते हैं, बातें करते हैं, फिर निकलते हैं। सो चलिए जी चलते हैं। अभी मिल लिया, अभी कहाँ जाना है? चेन वाले के पास जाना है, कहाँ जाना मुझे पता नहीं, लेट हो गए हम लोग। गलियाँ देखिए छोटी छोटी है, बस बाइक घूम जाए उतना ही काफ़ी है। अभी दिखाते हैं आपको अपना स्कूल। तो अपने को 1 नंबर तरफ जाना, मतलब राइट लेना है यहाँ से। ओहो चलो जी राइट लेते हैं और आगे आपको दिखाते हैं अपना स्कूल। चलो जी, ठंड बढ़ गई भाई, जैसे शाम हो रही है ना। ये घर काफ़ी लोगों ने लगता है कि थोड़े तोड़ वोड़ के ना ज़रा अच्छे खासे बना लिए। ये टर्न्स वैसा का वैसा ही है। ये क्या खुल गया भाई? ये देखो जी राइट ले लिया, ये रहा यहाँ पे स्कूल। ओ भाई स्कूल है कि तोड़ दिया? वो स्कूल तो बंद पे यार, बलजिंद्रा स्कूल स्कूल का नाम था, स्कूल तो गायब ही कर दिया यार। आज ध्यान दिया है। क्या पता उस टाइम था या नहीं जब मैं पहले आया हुआ था। ये यहाँ पर ओ भाई कैसे भगाते आते। ये शूज़ की दुकान तो भाई यहाँ से मैंने शूज़ लिए, मुझे याद है काफ़ी पुरानी शूज़ की दुकान, और ऐसी की ऐसी इतनी बड़ी। और वहाँ पे उस साइड में जाएंगे अंदर तो वहाँ पे सब सोनार है, सोने की दुकानें हैं। तो वहाँ जा रहे हैं या दविंदर के पास जा रहे हैं, जहाँ पे अपन ने चेंज दी थी वेल्डिंग के लिए सुबह। देखते हैं अभी। ओहो रोड ख़राब, क्या आवाज़ें आ रही है बाइक से। और जो रियर ब्रेक है ना काफ़ी कम लग रही है अभी, शायद वो डीजल से कपड़े से उन्होंने कुछ शायद रिम साफ़ किए थे वहाँ से उड़ गया होगा, ऐसा हो सकता है। ये रोड अपने को उसी तरफ ले जाएगा हाईवे पे। सो हम शिवप्रीत के पास नहीं जा रहे हैं जहाँ हमें मामा मामी के लड़के के यहाँ पे जाना था शॉप पे, क्योंकि वेल्डिंग वाला बंदा निकल जाएगा। अपने पास कल का दिन है, अपने को कल कुछ एक्सप्लोर करना है, कहीं पे जाना है। सो कल अपने पास वो टाइम नहीं होगा कि हम उसको वेल्डिंग के लिए और एक दिन अपना निकल जाए। सो बाकी जो है अपने रिलेटिव से मिलना था थोड़ा बहुत, बाकी काफ़ी है, अभी सबसे तो नहीं मिल सकते। कल का जो टाइम बचा है वो एक बार कहीं घूम कर आएंगे और फिर परसों अपने को निकलना है। तो ये देखिए थार यहाँ पे, ओहो चार लाइट्स लगाई है भाई बड़ी बड़ी, हाँ मस्त लग रही है। आइए भाई साहब को लेना यू टर्न, वो राह सामने की तरफ हाईवे दिख रहा है, तभी पहुंच जाएंगे। तो ये है जी पूरी मार्केट मोगा की। मुझे याद है यार यहाँ पे वो टेम्पो चलते थे येलो ब्लैक वाले, अभी तो देखने नहीं मिल रहे। येलो ब्लैक कलर उसको ना पून बोलते थे, पून मतलब मधुमक्खी को बोलते हैं ना, तो वो पंजाबी में उसको वो वर्ड दिया हुआ था, क्यों वो नहीं पता, अब शुरू से वही बोलते थे, ब्लैक एंड येलो कलर। लो जी कार आ गई। ओ देखो भाई कहीं से कहीं भी आ रहे हैं यार। ओहो अंकल जी की हाइट देखिए, और स्कूटर। मस्त मौसम हो गया भाई, ठंडा ठंडा यहाँ पे। हमने एक्चुअली वो 10 नंबर से गए थे ना, तो इस तरफ आए तो उतना डिस्टेंस यहाँ कवर करना होगा। कार जी कार मिलेगी सेल के लिए, और यहाँ पे मार्केट लगता है एक दिन संडे शायद से, जहाँ पे आपको थार मिलेगी मॉडिफाइड एक से एक। मोगा ही है जहाँ पे आपको थार मिलने वाली है। अगर किसी को थार लेनी है तो मोगा एक बार विजिट ज़रूर करना, एक से एक मिलेगी, एक से एक। चलो जी ओहो स्पीड ब्रेकर तो समझ में भी नहीं आ रहे हैं, रियर ब्रेक तो बहुत कम, काफ़ी कम लग रही है। सॉन्ग्स चल रहे हैं बढ़िया, पी भी नत्ती मोगे वाले। यार अभी तक पहुँचे नहीं, इतना दूर है। पहुँच गए पहुँच गए पहुँच गए। ये खड़े हमारे फुफड़ जी, फुफड़ जी आगे। लो जी पहुंच गए वेल्डिंग वाले के यहाँ पे। सो ये देखिए ये सारी चेन्स कैसे यहाँ पे रखी हुई है, 3 बाइक्स और एक कार की चेन है, मतलब कार की 4 और 2 बाइक्स की 4, मतलब 4 4 8, और एक बाइक की सिंगल रियर वाली मतलब 9 चेन्स, और कार की तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं होती है, गैस वेल्डिंग हो रहा है यहाँ पे। पर काम हो जाए तो सारा सेट पूरा कर देना है, और अपने को स्नो राइड की तैयारी पूरी तैयारी के साथ ही निकलना है यहाँ से, मतलब आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए फटाफट ये कराते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। तो प्रतीक भाई इसकी एरोक्स की पावर देखिए, एक एचजेजी के हैं एंड देखो दोनों बंद कर दिए क्योंकि सामने से उसको प्रॉब्लम ना हो इसलिए बंद कर दिए। तो ये देखिए पावर कितनी बढ़िया है भाई, एक नंबर। सो वेल्डिंग का काम जो है देविंदर और सनी करवा रहे हैं। चेन कम पड़ गई थी वो भी मार्केट से ले आए, तो फिर हमने बोला कि चलो फिर हम दोनों घर निकलते हैं, आप लोग करवा के उतना आ जाओ। तो चलते हैं घर पे, घर जाके मिलते हैं आपको। ठंड काफ़ी है, स्वेटशर्ट पहन के आया हूँ, कसम से आप जाके पता चल रहा है कि ठंड है ज़्यादा। तो अभी घर आ गए हैं हम लोग, सनी और देविंदर भी आ गए, हम मैं और प्रतीक भाई पहले आ गए थे, हम लोग दोनों पहले आए थे, मुझे लग गए थे समझ जाओ। सो चेन का काम आज फाइनली कंप्लीट हो गया, क्योंकि अपने बाकी ड्राइवर राइडर सारे जो भी है यहाँ पे सारे कल इकट्ठे होने वाले हैं। कौन है आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। सो अभी व्लॉग को करेंगे एंड, और सारा काम हो गया है। हमारे रिलेटिव से भी हम मिल के आ गए और पंजाब थोड़ा सा जितना हो सका मोगा हमने एक्सप्लोर कर लिया। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ राइड हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल। नेक्स्ट जो भी आने वाले हैं मोगा आने वाले, और मीटअप मोगा में होगा। यस तब चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, बाय बाय।